आपने कहा इंपोर्ट ड्यूटी में 35% की कमी आ गई। आपकी प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% रह गई, परंतु ये हिमाचल का जनमानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है, आज फिर दोबारा आपने एक ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं। अभी आपने हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जी बिंदल को सुना, वे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के उस वक्तव्य की जो उन्होंने कल अपने हिमाचल दौरे में दिया। आपदा प्रभावित लोगों का हालचाल जानने आई प्रियंका वाड्रा गांधी ने कल कहा था कि केंद्र हिमाचल की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और खुलकर आर्थिक मदद करे। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से हिमाचल के बागवानों को बेहद नुकसान हुआ है। इस सब पर राजीव बिंदल प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने इस बारे में और क्या क्या कहा, खुद ही सुन लीजिए। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का हिमाचल आगमन हुआ, हम उनका अभिनंदन करते हैं। बड़ा चिंता का विषय यह है कि 2022 के चुनाव में श्रीमती प्रियंका जी आई थी और उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर बार बार इस बात को कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक बहन को, 18 साल से 60 साल की सभी बहनों को 1500 रुपए महीना देने की गारंटी करते हैं। और ये लगभग 22.5 लाख बहनें आज 9 महीने हो गए हैं उस गारंटी की इंतजार कर रही हैं। इन्होंने कहा था कि हम पहली कैबिनेट के अंदर ही बहनों को यह सम्मान देंगे, यह तोहफा देंगे। आज लगभग 13,500 रुपया प्रति बहन का कर्ज, और प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार पर चढ़ गया है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और पहली कैबिनेट में देंगे, और पहली कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। अब वो पहली कैबिनेट तो का अनेक अनेक कैबिनेट्स चली गई, आज चुनाव के बाद आपका आगमन हुआ है तो हिमाचल के बेरोजगार, हिमाचल की बहनें इस बात की इंतजार में बैठे हैं कि आपका कोई उत्तर आएगा। आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए असत्य बोला, झूठ बोला, जो आज पूरा नहीं हुआ है। और एक बार फिर पिछले कल हिमाचल के बागवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। आपने कहा इंपोर्ट ड्यूटी में 35% की कमी आ गई। आपकी प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% रह गई, परंतु ये हिमाचल का जनमानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है, आज फिर दोबारा आपने एक ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 35% कब घटा मालूम नहीं, वो 50% से 15% कब आया मालूम नहीं, परंतु पूरे हिमाचल के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया केवल असत्य के आधार पर कि जैसे मानो इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% रह गई है। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी कहें वो सत्य कहें, सत्य से परे ना कहें।